पिछले कई दिनों से मानसूनी बारिश के कारण पूरे उत्तर भारत का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस मानसूनी बारिश का प्रभाव सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। इसके साथ ही हरियाणा के भी उत्तरी जिले प्रभावित हुए हैं। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों की परिवहन सेवाओं के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। कई सारे रोड बंद हो गए हैं, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस बीच एक बार फिर से हरियाणा रोडवेज ने साबित कर दिया कि इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत सारी कारें और ट्रक भी खड़े हैं और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस पानी से भरे हुए रोड में से जाया जाए, लेकिन तभी हरियाणा रोडवेज की बस आती है। लेकिन हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर को अपनी बस के इंजन पर और खुद पर इतना भरोसा था कि वो इतने पानी में से भी अपनी बस को लेके चला जाएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हरियाणा रोडवेज की बस किस प्रकार से पानी को चीरते हुए निकले जा रही है और बाकी सारे लोग हरियाणा रोडवेज को ऐसे ही देखते रह गए। वीडियो में भी आप देख सकते हैं अभी तक हरियाणा रोडवेज की कई सारी बसें हिमाचल के शिमला और मनाली वाले रूटों पर फंसी हुई है। इस वीडियो में भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से ऊपर से पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े, थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से टूट के किस प्रकार से नीचे गिर रही है और बहुत सारी जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं अभी भी हिमाचल में फंसी हुई हैं। इस मानसूनी बारिश का प्रभाव सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश में तो कई सारी HRTC की बस बह गई हैं। उत्तर भारत की सभी नदियों का जलस्तर सामान्य से अधिक हो गया है। इस वीडियो में भी हम देख सकते हैं एक HRTC की बस कैसे फंसी हुई है। पानी का बहाव इतना तेज है, वीडियो में देख सकते हैं ये कार किश्ती के जैसे तैर के जा रही है। इस वीडियो में भी देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है। कोई भी बस हो, कार हो, किसी भी कंपनी की कार हो, सब कुछ प्रकृति के सामने बेबस है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि मनाली रूट पर हरियाणा रोडवेज की कई सारी बसें स्टाफ समेत फंसी हुई है। वहीं शिमला, कांगड़ा और अन्य कई सारे मार्गों पर स्थिति अनुसार बसें भेजी जा रही थी, जिसमें से कुछ बसें रास्ते में फंसी हुई है और कुछ बसें शिमला मनाली में फंसी हुई है। वहीं उत्तर हरियाणा की भी यही स्थिति है। उत्तर हरियाणा में भी कई सारी सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिसके कारण हरियाणा रोडवेज की सेवा बंद की गई है। इनमें से यमुनानगर, पंचकूला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र के कुछ जो क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। वहीं इन जिलों से गुजरने वाली दूसरे डिपो की बसें भी प्रभावित हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें और प्रशासन का सहयोग करें। बाकी आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है आप जरूर कमेंट कर सकते हैं और अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओ निकट जाएगी, चल आन जान दे, चल निकट गई, चल।